रानू चिड़िया की सास बहुत ही झगड़ालू और क्रूर थी। अरे ओ कामचोर, मैंने तुझसे घर का सारा काम करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं किया? किसको इतना चर्बी दिखा रही है? माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं सुबह से काम करते जा रही हूँ, मैं एक पल भी कहीं भी नहीं रुकी, फिर भी आप मुझे बातें क्यों सुना रही हो? अरे ओ रानू, जब से तेरी दोस्त वो लूसी यहाँ आई है, तब से तू अपने तेवर दिखा रही है। अगर वो घर आई ना तो मैं तुम दोनों को बताऊंगी। उतने में वहाँ पर लूसी कबूतरी आती है। क्या बात है माँ जी, आप अपनी बहू को इतना डांट क्यों रही हो? आप मेरे सामने कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुझसे कुछ बोलिए। अरे ओ गोरी चमड़े वाली, तुझको तो बड़ों का लिहाज ही नहीं है और तू मेरी बहू रानू को वही सब सिखा रही है। अच्छा होगा तू मेरे ना लगे, चुपचाप यहाँ से चली जा। वो दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे थे, तभी रानू अचानक से चक्कर आके गिर जाती है। दोस्त रानू, दोस्त उठो ना, तुम्हें क्या हुआ? लूसी के आवाज देने पर भी रानू नहीं उठती है। लूसी घबरा कर तुरंत तोता डॉक्टर के यहाँ जाती है, लेकिन उस समय तोता डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी असिस्टेंट नर्स लाडो वहाँ पर थी। नर्स लाडो, डॉक्टर सब कहाँ है? डॉक्टर अब क्लिनिक पर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। मेरी दोस्त अचानक से चक्कर आकर गिर गई है, क्या आप एक बार चलकर देख लोगी? जी जरूर, चलिए। लूसी लाड़ो नर्स को वहाँ ले आती है। लाड़ो रानू का अच्छे से चेकअप करती है। किसी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, रानू आधे घंटे में होश में आ जाएगी और ये माँ बनने वाली है। अरे ये आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, वैसे उसका इस दुनिया में कोई नहीं, अब उसका बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ अब मैं चलती हूँ, आप रानू का अच्छे से ध्यान रखना, कुछ भी काम मत करवाना। कुछ समय बाद रानू को होश आता है। लूसी लूसी मुझे क्या हुआ था? रानू तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम माँ बनने वाली हो, घर का कुछ भी काम नहीं करोगी, तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगी और हाँ समय पर फल खाते रहना। ऐसा कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद से रानू की सास उससे कहती है, रानू तुम्हारी दोस्त मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, तुमने उसको पलट कर एक भी नहीं कहा, तुम्हें बहुत मजे आ रहे थे ना? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर के कहने पर भी रानू की सास रानू से कई सारे काम करवा देती। बेचारी रानू चिड़िया हर रोज रोती थी, उसका पति कब वापस आएगा, उसकी खुशियाँ कब लौट आएगी। दिन बीतते जा रहे थे, उसका पति वापस नहीं लौटा था। रानू चिड़िया की सास उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी रानू की ननद वहाँ आती है। हाय हाय मेरी रानी बिटिया, आ गई तुम, रास्ते में तुमको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं माँ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। वैसे भैया और भाभी कहाँ है? कई दिनों पहले ही तुम्हारे भैया काम पर बाहर गए हैं और तुम्हारी भाभी महारानी की तरह अभी भी अपने कमरे में सो रही है। माँ तुम भाभी को हमेशा क्यों डांटती हो? वैसे भाभी क्यों सो रही है अब तक, कोई खास वजह है? हाँ है ना, जा जाकर खुद जाकर पूछ ले। भाभी भाभी क्या हुआ है आपको, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई है? अरे रानी तुम यहाँ कब आई हो,
ठीक तो हो ना तुम? अरे भाभी, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, अब कुछ और बता रही हूँ। आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? माँ आपका ध्यान अच्छे से रख रही है ना? माँ, तुम हमेशा भाभी को क्यों सताती हो? भाभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ओ रानी, मैंने तुम्हारी भाभी को क्या कहा है? भरपेट खा रही है, अच्छे से तो रह रही है ना? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया वापस अपने ससुराल चली जाती है। अरे ओ रानू, आने जाने वाले सभी को तुम मेरा बुराई कर रही हो ना, और उनके सामने नाटक भी। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगी और मेरे बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी और कह दूंगी कि तू कहीं और चली गई है। सासू माँ, आखिर मैंने किया क्या है? आप मेरे पे इतने जुल्म क्यों कर रही हैं? मैं तो गर्भवती हूँ, फिर भी आप मेरे पे इतने सारे जुल्म किए जा रही हो। फिर रानू की क्रूर सास ने रानू को खड्डे में फेंक कर उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी। सासू माँ, मेरी जान मत लीजिए, कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, मुझ पर कृपा कीजिए सासू माँ। तभी वहाँ पर चील और लूसी कबूतरी आ जाते हैं। अरे वाह, शाबाश, कितने अच्छे से आप रानू की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रही थी। तुम्हारे बेटे ने रानू से प्रेम विवाह क्या कर लिया? तुम तो उसकी जान लेने पे तुली हुई हो। उन दोनों को वहाँ पर देखकर सास डर जाती है, बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग जाती है। सही समय पर वहाँ आने पर रानू ने उन दोनों को दिल से धन्यवाद किया। रानू की सास वापस नहीं लौटी। रानू को पता चलता है कि उसकी सास ने खुदकुशी कर ली। इस बात का रानू चिड़िया को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका पति टुन्नू भी वापस आ जाता है। लूसी और चील आकर टुन्नू को टुन्नू की माँ की सच्चाई बताने लगते हैं। अपने माँ के बारे में सुनकर टुन्नू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। वो अपने माँ के तरफ से रानू से माफी मांग लेता है। उस दिन के बाद से रानू अपने पति टुन्नू और बेटी छोटी चिड़िया के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। हमेशा गौरी कौवी बेचारी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। कालू जी, आप अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रह सकती। गौरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो घर से बाहर कहाँ जाएगी? अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उन्हें भी घर से बाहर निकाल दोगी? पालू जी, ये सब छोड़िए, तुम्हारी माँ इस घर से नहीं गई तो मैं ही खुद अपने घर चली जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी की बातें सुनकर वहाँ अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ अब तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, तुमसे घर का कोई भी काम नहीं होता, बस तुम बैठे बैठे खाती रहती हो और सोते रहती हो। मेरी पत्नी गौरी को सिर्फ तुम्हारे वजह से ही परेशानी हो रही है। तुम्हारे वजह से वो बार बार मायके जाने की धमकी देती रहती है। माँ तुम ऐसा करो, तुम इस घर से कहीं और चले जाओ। तुमने तो अपनी जिंदगी काट ली, अब मुझे चैन से जीने दो माँ। कालू बेटा, आज तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? वैसे मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी?
आंसू माँ, बस अब बहुत हो गया, आपको इस घर से जाना ही होगा, वैसे आपसे बहुत गंदी बू आती है। फिर कालू की माँ घर से निकल जाती है। वो इधर उधर भटक रही थी, वो एक मंदिर के पास पहुँच जाती है। उसने देखा एक चिड़िया पकौड़े बेच रही थी। उस चिड़िया का नाम रानू था। रानू चिड़िया बहुत ही दयालु थी, वो गरीब पक्षियों की मदद करती थी। वो कालू कौवे के माँ के पास जाती है। क्या बात है माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आप इधर ही खड़ी हो, आपको मंदिर जाना है तो जल्दी से जल्दी अंदर जाए, वरना बाद में भीड़ बहुत हो जाएगी। नहीं चिड़िया बेटा, अब मैं एक अनाथ हो चुकी हूँ, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, कोई काम मिल जाएगा तो मेरा दिन बन जाएगा। माँ जी आप मुझे भूखी लग रही हो, ये लीजिए आप थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। रानू अपना भोजन का पोटली उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। रानू बेटा जुग जुग जियो, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाती। माँ जी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं मेरी बेटी के अलावा, पति के मर जाने के बाद मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी छोटी के वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। तब से मैं खुद का कारोबार कर रही हूँ, जंगल के पक्षियों को ताज़े ताज़े और गरम गरम पकौड़े खिलाती हूँ। माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप मुझे अपनी बेटी समझें। रानू बेटी तुम कितनी अच्छी हो, भगवान करे हर माता पिता को तुम्हारी जैसी बेटी हो। रानू चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने घर आती है। माँ माँ ये कौन है माँ? छोटी बेटा ये तुम्हारी नानो माँ है, तुम कब से तुम्हारी नानो माँ के बारे में पूछ रही थी ना, चलो तुम्हारी नानो माँ को प्रणाम करो। प्रणाम नानो माँ, आप मुझे नई नई कहानियाँ सुनाओगी ना? हाँ 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 छोटी बेटा, मैं तुम्हें रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनाऊंगी। इस तरह कालू की माँ को एक नई जिंदगी मिल गई थी, वो रानू की मदद करने लगी और खुशी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों हम सबको हमारे बूढ़े माँ बाप की कदर करना चाहिए, आजकल की दुनिया में हमारे माँ बाप ही कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आपके माता पिता को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। माँ माँ कहाँ हो माँ? देखो माँ मैं आ गई हूँ। अरे रानू बेटा तुम आ गई हो, तुम तो मेहमानों की तरह आ रही हो। तुझे पता है ना तेरी छोटी बहन की शादी है, घर में कितने काम पड़े हैं और तू अब मेहमानों की तरह आ रही है। माँ मेरे ससुराल में भी बहुत काम थे, तुमने ही तो कहा था ना कि पहले ससुराल वालों को खुश करना बाद में मैं का। अरे रानू बेटा वैसे तो मैंने सारे काम कर लिए हैं, बस तुमको मेहमानों का आने जाने का देखभाल करना है और उनको मिठाइयाँ बांटनी है। और हाँ रानू बेटा दामाद जी कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। माँ वो आ जाएंगे, बारात तो कल है ना, वो कल ही आएंगे। और माँ मेरी छोटी बहन रानी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो अपने कमरे में है, जा बेटी जा उससे मिल ले। रानी मेरी बहन तुम खुश तो हो ना इस शादी से? हाँ रानू दीदी मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, टुन्नू जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे बहुत खुशी से रखेंगे। वैसे क्या बात है दीदी, तुम्हारे आँखों में आंसू दिख रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं रानी बहन, पर दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ ना, इसलिए आँखों से आंसू आ रहे हैं,
चल तो इधर बैठ, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। रानू बेटा, इतने दिनों से तुमको माँ की याद नहीं आई, ससुराल जाकर तुम तो मैके ही भूल गई। मैंने सोचा तेरी बहन रानी की शादी में कुछ दिन पहले से ही तो आ जाएगी, लेकिन तू तो मेहमानों की तरह आई है। मैं क्या करती माँ, मुझे समय ही नहीं मिला। अगले दिन रानी की शादी टुन्नो से हो जाती है, वो खुशी खुशी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। माँ, सभी मेहमान जा चुके हैं, अब मुझे भी इजाज़त दो, मैं भी अपने ससुराल चली जाती हूँ। ये क्या बात हुई रानू बेटा, तुम तो अभी आई और अभी जाने का कह रही हो। नहीं नहीं, कुछ दिनों तक तुम्हें मैं अपने घर से नहीं भेजूंगी। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ, आने दो दामाद जी को, मैं तुमको नहीं भेजूंगी। अरे रानू, तुम अब तक तैयार नहीं हुई, जल्दी घर चलो, माँ का बार बार फोन आ रहा है। दामाद जी, मैं अपनी बेटी को अभी नहीं भेजूंगी, मेरी बेटी कितने दिनों बाद यहाँ आई है, मेरी बेटी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। तो ठीक है माँ जी, अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, मैं ही चला जाता हूँ। क्या बात है कालू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप नाराज मत हो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रानू बेटा, जाने दे दामाद जी को, मैं समझ गई हूँ, यही ये तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके घर में कैसे करते होंगे। माँ, शादी करते समय तो आपने ही मुझसे कहा था ना कि ससुराल की बातें मायके तक नहीं आना चाहिए। मेरी बेटी रानू, मुझे अब समझ आ चुका है कि तू कितना घुट घुट के जी रही है, मैं तुझे खाना नहीं चाहती, तेरी माँ अभी तक जिंदा है, तू अब मेरे साथ ही रहेगी। रानू की माँ रानू को ससुराल नहीं जाने देती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि रानू अपने ससुराल में खुश नहीं है। रानू पढ़ी लिखी थी, वो हॉस्पिटल में एक नौकरी करने लगी और खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन रानू का पति कालू कौवा उसके घर आकर उससे माफी मांगने लगता है। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुमको बहुत खुशी से रखूंगा, तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, और माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को ससुराल में सब खुशियाँ मिलेगी। रानू बेटिया, अब दामाद जी को पछतावा हो गया, अब तुम अपने ससुराल जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कालू कौवा बार बार अपनी पत्नी रानू से माफी मांगने लगता है। रानू भी उसको माफ करके ससुराल वापस आ जाती है। फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। रानू की बेटी छोटी और गौरी कवि की बेटी चमेली कवि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन चमेली कवि अपनी दोस्त छोटी से कहती है, छोटी क्या तुम्हें पता है कल मेरा जन्मदिन है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर आ जाना। छोटी चिड़िया घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताती है। मम्मा, ये जन्मदिन क्या होता है, चमेली ने कल अपने जन्मदिन पर मुझे आपको और पापा को उसके घर बुलाया है। माँ, आप और पापा चलोगे ना चमेली कवि के घर। रानू चिड़िया कुछ नहीं कहती, उसे पता था कि वो गरीब है और इसी वजह से वो अपनी प्यारी सी छोटी बेटी का जन्मदिन भी नहीं मना पाते। अगर छोटी चमेली के घर जाकर उसका जन्मदिन देखोगी तो वो भी जिद करेगी कि वो भी अपना जन्मदिन मनाएगी। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं
क्या हम चलेंगे ना चमेली के घर? छोटी, अब मुझे बहुत काम है। शाम को तेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे पूछकर बता दूंगी। टुन्नू को घर पहुंचते ही रानू सारी बातें अपने पति को बताने लगती है। तो क्या हुआ रानू, हम भी चले जाएंगे बर्थडे पार्टी में। मगर टुन्नू जी, मुझे ये डर है कि अगर छोटी जन्मदिन के पार्टी पर गई तो घर आकर मुझसे पूछेगी कि हम उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। अगर पूछेगी तो हम दोनों उसका क्या जवाब देंगे? ओ रानू, कोई बहाना बना देते हैं और चमेली कवि के जन्मदिन पर नहीं जाते हैं। नहीं टुन्नू जी, छोटी बहुत खुश है। पहली बार हम सबको किसी ने अपने घर बुलाया है। अगले दिन छोटी अपने मम्मी पापा के साथ उस जन्मदिन के पार्टी पर जाती है। छोटी केक और बाकी सारे चीजों को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज से पहले उसने वो सब कभी नहीं देखा था। अरे चमेली बेटा, ये किसको बुलाया तुमने पार्टी पर? ये तो गरीब पक्षी है। गरीब पक्षियों को अमीर पक्षी के पार्टी में नहीं बुलाते बेटा। मम्मी आप धीरे बोलोगी, छोटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको अपनी बहन मानती हूँ। छोटी थोड़ा यहाँ तो आ, तुम दूर क्यों खड़ी हो? फिर चमेली कवि केक काटकर अपना जन्मदिन मनाती है। फिर छोटी अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस लौट जाती है। पापा पापा, मेरा जन्मदिन कब है? आप दोनों मेरा जन्मदिन मनाओगे ना? हाँ छोटी बेटा, हम दोनों तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे। आज से एक महीने के बाद तुम्हारा जन्मदिन है। समय गुजरने लगता है। आज छोटी चिड़िया का जन्मदिन था, वो अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जा रही थी। छोटी आज तुम्हारा जन्मदिन है, और हाँ ज्यादा पक्षियों को हमारे घर मत बुलाना, हम गरीब हैं। माँ आप तो आज से पहले मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, मुझे तो अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से मनाना है। माँ मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाने। अरे रानू, तुम छोटी को क्यों रोक रही हो? जाने दो उसको, अपने दोस्तों को उसके जन्मदिन पर बुलाने दो। और हाँ, तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने इतने पैसे जमा रखे हैं कि मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मना पाऊँ। अपने पापा के मुँह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर छोटी बहुत खुश हो जाती है। छोटी अपने दोस्तों को जन्मदिन पर न्योता देने के लिए स्कूल चली जाती है। शाम को छोटी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है।